नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। प्रयागराज जिले के सिंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत आनापुर ग्राम सभा में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। यहां की पूर्व प्रधान तारा देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से तारा देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी ने मिलकर 3 लाख रुपए में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने और उसके रखरखाव में 72,000 रुपए खर्च करने के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया था। अब आज हम आपको तारा देवी और अनिल कुमार सिंह का एक और घोटाला दिखाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने आनापुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम की मरम्मत में 1 लाख रुपए खर्च किया है, जबकि प्राथमिक विद्यालय प्रथम और प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के सौंदर्यीकरण में 2,56,000 रुपए खर्च किए हैं। अब इन दावों की सच्चाई क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। आज हमें प्रयागराज जिले के आनापुर ग्राम सभा में इस समय हम यहाँ खड़े हैं। ये है प्राथमिक विद्यालय आनापुर द्वितीय। यहाँ पर पता चला है, जो हमारे पास जो दस्तावेज हैं उससे जानकारी मिली है कि इस पर प्रधान जो अभी कुछ समय पहले तारा देवी प्रधान थी, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने इसके सुंदरीकरण में 1 लाख रुपए खर्च किए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सरासर झूठ है, इसमें 1 रुपए नहीं खर्च किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पुताई हुई, ये यहाँ के प्रधानाध्यापक ने शिक्षा विभाग के बजट से कराया है। ये जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं आप जो कुछ ये लिखा हुआ है, यहाँ के प्रधानाध्यापक ने सारा कुछ करवाया हुआ है। हालांकि विद्यालय का समय समाप्त हो गया है, इसलिए अभी यहाँ पर बच्चे नहीं है और प्रधानाध्यापक भी नहीं है, क्योंकि विद्यालय का समय समाप्त हो गया और लोग जा चुके हैं। ये हम आपको दिखाते हैं, ये एक कमरा है इसका, और आपको अंदर दिखाते हैं। ये बंद है क्या? अच्छा, लॉक हो गया, मैंने सोचा अंदर भी दिखा देते। ये आप देख रहे हैं कि सारा बच्चों के लिए सारा कुछ है, ABCD वगैरह लिखा गया उनकी समझ के लिए। ये यहाँ के जो अध्यापक हैं उनका विवरण है। आलिया फारूकी हैं जो यहाँ की अध्यापक हैं, श्री उदय सिंह यादव हैं, श्रीमती भारती मिश्रा हैं, श्रीमती सोनी पाल हैं और ज्योति पाठक हैं। यहाँ 5 जो अध्यापक हैं जो बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। और इसके अलावा यहाँ विवरण लिखा हुआ है, जो विद्यालय प्रबंधक समिति है वो यहाँ के रन्नी देवी अध्यक्ष हैं, कुसुम देवी उपाध्यक्ष हैं, आलिया फारूकी सचिव हैं, और उसके अलावा भी सारा डिटेल है कि स्थानीय प्राधिकारी श्री विक्रम हैं, श्रीमती अनुता मिश्रा हैं जो HAWF हैं, विपिन भट्ट लेखपाल हैं, सुशीला देवी सदस्य हैं। उसके अलावा पूरा सदस्यों का विवरण है और ये विद्यार्थियों के जानने के लिए सारी जानकारी दी गई, किस तरीके से बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ये छात्रों का विवरण है कि किस वर्ग के कितने छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, उसके अलावा कुल छात्रों का विवरण है। ये है, और इसके अलावा ये शिक्षाप्रद बातें लिखी हुई हैं बच्चों के लिए, और ये है मिशन शक्ति की हेल्पलाइन नंबर है, मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन नंबर है, चिकित्सा की है, अन्य तमाम हेल्पलाइन नंबर हैं जो आपातकाल में कोई भी व्यक्ति फोन करके वो सुविधा ले सकता है। ये इसके अलावा ये पेंटिंग की गई है जिससे बच्चों के समझने के लिए, उनके बच्चों की समझ बूझ विकसित करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको बता दें कि ये विद्यालय अभी आपने जो देखा, जो कुछ भी आपने पेंटिंग में देखा, ये सारा कुछ यहाँ के प्रधानाध्यापक ने करवाया है, यहाँ के प्रधान ने नहीं करवाया है। उन्होंने 1 लाख रुपए दावा किया है कि 1 लाख रुपए उन्होंने इसके सुंदरीकरण में खर्च किया है, जो सरासर फ्रॉड है। और लोगों का कहना है कि ये बहुत ही गलत दावा है,
ऐसा कुछ यहाँ हुआ नहीं है। हमारे साथ हैं प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उनसे बात करते हैं। ये जो हमारे पास दस्तावेज है उसमें प्रधान ने दावा किया है कि उन्होंने इसका सुंदरीकरण कराया है, जिसमें उन्होंने 1,00,000 रुपए खर्च किए हैं। वो कितनी बात है? तारा देवी की उन्होंने दावा किया है, उन्होंने 1,00,000 रुपए इसके सुंदरीकरण में खर्च किया, क्या सही है? ये सुंदरीकरण कुछ अच्छा कायाकल्प के अंतर्गत, जैसे क्या? जैसे कि 4 रूम में 5 रूम में टाइल्स लगाए, मल्टीपल हैंड वॉश बनवाया, किचन में बनवाया, अब ये इंटरलॉकिंग के रास्ते जो आप समझ रहे हैं ये करवाया। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं कायाकल्प की, तो 1,00,000 रुपए में इन्होंने बताया कि उन्होंने मरम्मत कराई है, वो अलग मरम्मत नहीं, कोई मरम्मत नाम की कोई हमारे यहाँ मरम्मत नाम की कोई ये मिट्टी भी हमें इसमें पानी भर जाता था, जैसे तालाब जैसा करवाए, फिर भी ये इंटरलॉकिंग हुई उसको भी ड्रेस कर रहे थे कि भैया इधर करवा दे, बच्चे फिर गिर जाते हैं। और ये जितनी साज सज्जा या कॉम्पोजिट करा हो तो हमने अपने हमारे यहाँ आता है कंपोजिट प्लांट आती है, अच्छा मैं इसके अंदर करवाऊँगा। अच्छा, ये प्रधान ने नहीं करा? प्रधान का कोई कार्य इसमें है ही नहीं, सौंदर्यीकरण में या पुताई और उसमें कोई सौंदर्यीकरण में इसमें समय प्रधान का कार्य नहीं है। आइए हम आपको एक और गड़बड़ी दिखाते हैं आनापुर ग्राम सभा में। ये है प्राथमिक विद्यालय आनापुर प्रथम, या ये अंदर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रधान ने सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाला किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस स्कूल को सजाया कैसे गया है। यहाँ के प्रधानाध्यापक जो है उनका दावा है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो हमने करवाया है स्कूल के फंड से, लेकिन जो तारा देवी थी अभी कुछ समय पहले प्रधान, उनका दावा है उन्होंने इसका सौंदर्यीकरण करवाया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको सजाया गया है। ये आप देख रहे हैं दीवार स्कूल की, इसमें नक्शे के जरिए भारत को बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा पर्यावरण के विषय में चित्र के द्वारा बच्चों को समझाया गया है, और इसके अलावा विज्ञान के विषय में भी जानकारी दी गई है। और इधर आप देखेंगे राष्ट्रीय पर्व के विषय में पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, जिससे बच्चे पढ़ के जानकारी हासिल कर सकें, और सामान्य ज्ञान जो भारत के विषय में एक सामान्य जानकारी दी गई है उसका पूरा विवरण है। और ये आप देख रहे हैं बच्चों के शरीर के विषय में पूरा विवरण है, जिससे बच्चे देख के सीख सके, जान सके। ये गणित के सिंबल के बारे में जानकारी दी गई है, और विषयों के विषय में पूरी जानकारी दी गई है कि कक्षा एक में कलरव, गिनतारा, अंग्रेजी, परिवेशी, पर्यावरण, इसकी जानकारी दी जाती है, जबकि कक्षा दो में कलक, गिनतारा, अंग्रेजी और पर्यावरण की जानकारी दी जाती है, और कक्षा तीन में कलरव, गिनतारा, अंग्रेजी, हमारा परिवेश, संस्कृत, पर्यावरण, नैतिक शिक्षा, इसकी जानकारी दी जाती है, और कक्षा चार में कलरव, गिनतारा, अंग्रेजी, हमारा परिवेश, संस्कृत, पर्यावरण, नैतिक शिक्षा की जानकारी दी जाती है। कक्षा पाँच में कलरव, गिनतारा, अंग्रेजी, हमारा परिवेश, संस्कृत, पर्यावरण और नैतिक शिक्षा की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे प्राथमिक विद्यालय का प्रेरणा गीत है, जिसे बच्चे इसको गाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप आगे देखेंगे इसमें बच्चों के विषय में बताया गया है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनका विवरण है, उनके बारे में उनकी पूरी लिस्ट है, उनका नाम दिया गया है, उनकी फोटो लगाई गई है, जो इस कक्षा के मेधावी बच्चे हैं। उसके अलावा भाषा के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। आइए आपको और आगे दिखाते हैं, और कोई कक्षा आइए आप और आगे दिखाते हैं आपको। ये इसके बगल में कक्षा है, और ये क्लास थर्ड है, ग्रीन है, और इसको दिखाते हैं इसकी क्या दशा है। ये देखिए पक्षी बनाए गए, हालांकि अभी दिखाई नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये बच्चों के की जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जानकारी दी गई है, और जिससे कि वो पढ़ के खुद ही चीज़ों को समझ सकें।
ये आप देख रहे हैं और ये पोस्टर के जरिए इन्हें बच्चों को बताने की कोशिश की गई है जिससे कि उन्हें समझने में कोई समस्या ना हो। और ये पूरा आप देख रहे हैं पोस्टर के जरिए पूरा बताया गया है, यहाँ पे कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है जैसा कि तारा देवी ने दावा किया है। इसका मतलब है कि तारा देवी झूठ बोल रही है जो उन्होंने सरकार को तथ्य दिए हैं। और कोई है? ये आपको हम और आगे दिखाते हैं कि यहाँ पर कक्षा एक है, ये कक्षा एक है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई चल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दीवार पर जो बच्चों के चित्र दे के बताया गया है इस तरीके से अंग्रेजी के शब्दों और ये पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं बच्चे इससे समझ सके अपने से पढ़ के उसको। और ये नंबर्स हैं, संख्याओं के बारे में बताया गया है। और ये आप देख रहे हैं पोस्टर के जरिए बच्चों को सिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ भी सौंदर्यीकरण का जो दावा किया गया है ऐसा कुछ है नहीं। तारा देवी ने जो 1,00,000 रुपये खर्च करने का दावा किया है ये सरासर आइए आपको कक्षा 4 भी दिखाते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। ये कक्षा 4 है आपको दिखाता हूँ, ये कक्षा 4 है। यहाँ पर भी बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं और आप देखेंगे जब पोस्टर की जरिए बच्चों को बताने की कोशिश की जा रही है पोस्टर के जरिए कि वो जो है तो ये पोस्टर के जरिए बच्चों को बताने की जानकारी दी जा रही है कि वो कुछ जो सामान्य जीवन में जो सफाई है या और कुछ उनको ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। और इधर आप देखेंगे पोस्टर के जरिए आगे भी जानकारी दी गई है और यहाँ पे पेंट भी किया गया है और बच्चों को जो ABCD के विषय में या फलों के विषय में या अन्य जानकारियाँ जिससे वो अक्षर सीख सके ये कोशिश की गई। इसके अलावा यहाँ पोस्टर के जरिए भी बताने का प्रयास किया गया है लेकिन कहीं भी सौंदर्यीकरण का जो दावा किया गया है वो आपको नहीं दिखाई देगा जिसका तारा देवी ने दावा किया है। उन्होंने दावा किया है तो उन्होंने 3,00,000 रुपये अच्छा और यहाँ भी आप देखेंगे जितना भी है वो पोस्टर लगा हुआ है और ये शिक्षा विभाग की ओर से लगाया गया है, इसमें प्रधान का कोई योगदान नहीं है। आप देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर सरदार पटेल की फोटो लगी हुई है, ये जो है खेल के सामान है सारा, ये आप देख रहे हैं बच्चों के लिए है, उनके खेलने के लिए सामान रखा गया है, जब उन्हें खेलना होता है तो यहाँ से उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है। ये लाल बहादुर शास्त्री की फोटो है और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, और ये जो है राधा कृष्ण डॉक्टर राधा कृष्णन की फोटो है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पोस्टर दिख रहे हैं, कोई भी सौंदर्यीकरण के नाम पर कोई पेंटिंग या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ की प्रधानाध्यापिका का कहना है कि ये दावा है जिसमें 3,00,000 रुपये खर्च किए गए हैं ये सरासर गलत है, तो भी हमने आपको दिखाया है। तो आइए यहाँ के प्रधानाचार्य से आपको मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तारा देवी ने दावा किया है
स्कूल में तो कुछ नहीं हुआ है, मतलब सौंदर्यीकरण में तो नहीं हुआ है, बाकी वो अपना सौंदर्यीकरण जो भी विद्यालय में, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये सब मैंने कंपोजिट ड्रॉइंग से, पूरी वॉल पेंटिंग वगैरह सब मैंने खुद करवाई है। कंपोजिट ड्रॉइंग हमारे यहाँ आता है ऑफिशियल, उसी से मैं पूरा हर साल पेंटिंग कराती हूँ। तारा देवी या उनका ऐसा कभी आया था? आते थे हमेशा, तो प्रधान को अक्सर आते थे विद्यालय में, ऐसा नहीं है आते थे देखते थे बातें भी करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो ये काम के लिए कहा गया ये सारे काम मैंने खुद कराने का। कभी उन्होंने चर्चा की कि हम ऐसा करवाएंगे या करवाने जा रहे हैं? नहीं, एक बार बोल रहे थे कि मैं गमले रखवा दूँ, और प्रधान जी कह रहे थे कि गमले रखवा दें यहाँ मैडम गेट से यहाँ पर, तो फिर मैंने कहा कि इतने सारे हमारे यहाँ पेड़ पौधे खुद ही लगे हैं कि हमें गमलों की जरूरत नहीं है, तो मैंने खुद मना कर दिया। अच्छा, मतलब स्कूल को मरम्मत या इसकी सौंदर्यीकरण के विषय में कोई बात नहीं? उन्होंने बोला था, बात करने बोला कि झूले टंगवा दें, ये करवा दें, तो फिर मैंने कहा नहीं, हम जितना कर पा रहे हैं, आपको मैंने ये मना नहीं किया, मैंने कहा जो आपको करना है करिए, लेकिन मैं अपना मेरे ग्रांट से जो होगा मैं करूँगी, आपको जो हो सकता है आप करिएगा। अभी तक तो आपका सुनना तो भी आपने प्रधानाध्यापिका को सुना कि किस तरीके से तारा देवी ने जो दस्तावेज में दावा किया है वो सरासर झूठ है, यहाँ पर उन्होंने एक रुपए सौंदर्यीकरण में नहीं खर्च किया है। देखा आपने, आए दिन इतनी भारी मात्रा में गांव के विकास के कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को देखकर तो यही लगता है कि हमारी सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से सड़ चुकी है और हमारे प्रतिनिधि भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह धंस चुके हैं। वहीं समाज ने भी इन्हें बेहिचक होकर अपना भी लिया है, इसलिए इनको ना तो अब लज्जा आती है और ना ही इस प्रकार की बेईमानी से उन्हें कोई डर लगता है और ना ही समाज के लोगों को इससे कोई फर्क पड़ता है, बल्कि समाज ऐसे चोरों और बेईमानों का बहिष्कार करने की बजाय उनकी पीठ ही थपथपाता है, जो बहुत चिंता की बात है। हमें लगता है कि जो समाज अपना भला करने को तैयार नहीं है, ऐसे समाज का कोई क्या भला कर सकता है। ऐसा कायर समाज हमेशा नियति को रोता रहता है और इनका कभी कोई विकास नहीं होता है। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।